दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज मैं आपके सामने एक अपडेट लेके आया हूँ। देखिए, अपडेट तमिल सिनेमा से आई है कि कमल हसन की 232वीं फिल्म का टाइटल टीजर रिलीज हो चुका है। बहुत दिनों पहले, तकरीबन एक महीना पहले से ही ये बात बहुत ही ज़्यादा आ रही थी न्यूज़ में कि आखिर कमल हसन, जो बहुत ही अच्छे एक्टर रहे 1980s के, मतलब उनके पीछे उस समय की लड़कियां दीवानी हुआ करती थी, उनकी एक्टिंग की दीवानी हुआ करती थी, हम सब ही उनको पसंद करते थे, लड़का हो या लड़की सब पसंद करते थे उन्हें। तो अब उनकी 232वीं जो फिल्म है उसका टाइटल क्या होने वाला है? तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ घोस्ट, पहले तो ये लाइन आती थी, अब उसका टाइटल टीजर आ चुका है और पता चला है कि विक्रम उनकी 232वीं फिल्म का टाइटल है। और इंटेंशनली मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो सबसे पहली मूवी थी कमल हसन की, जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस करी थी, उस मूवी का नाम भी विक्रम ही था। और अगर कहा जाए कि इस मूवी को प्रोड्यूस किसने किया है, जो अभी रिसेंट जो इन्होंने किया है टीजर, तो उस वाली मूवी को भी इनका राजकमल इंटरनेशनल फिल्म्स ही प्रोड्यूस करेगा। और सबसे अच्छी बात कि लोकेश कनगराज, जिन्होंने मास्टर मूवी को डायरेक्ट किया है, कैदी मूवी को डायरेक्ट किया है, वो ही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। तो हम लोगों के लिए सबसे खुशखबरी वाली बात यही है, क्योंकि वो मूवी में ज़्यादा लाइट्स नहीं लगाते, ज़्यादा सजावट नहीं करते, सिर्फ सड़कों पर शूट कर वो मूवी और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे सामने पेश करते हैं। तो कमल हसन की एक्टिंग जब मिक्स होगी लोकेश कनगराज के डायरेक्शन के साथ, तो देखना ये है कि आखिर क्या धमाका होता है। क्योंकि बात ये है कि लोकेश कनगराज ने जब से कैदी मूवी करी है डायरेक्ट, तो हम सब के, नॉर्थ इंडियन फैंस के भी दिल में उनके लिए एक रिस्पेक्ट बन चुकी है। और कमल हसन के लिए तो शायद, मैं बचपन से उनकी मूवी देखी, मैंने उनकी दशावतारम देखी है, हम सब ने ही बल्कि उनकी मूवी देखी है, उनकी विश्वरूपम देखी है। तो मेरा मानना ये है कि यूनिक कंटेंट के राजा हैं वो, यूनिक कंटेंट हमारे सामने पेश करते हैं। कभी पेट्रियोटिक साइंस के साथ, कभी साइंस फिक्शन के साथ भी वो आए हैं, बहुत सारी मूवी। और सबसे अच्छी मूवी जो मुझे उनकी लगती है, वो वैसे मिसिस डाउटफायर की रीमेक थी, और उस मूवी का नाम है चाची 420। तो अलग अलग रोल करते हैं, यानी एक मूवी में इनके शायद 10 से 12 रोल इन्होंने किए थे सिर्फ एक मूवी में। तो ये बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं हमारे कमल हसन सर, एंड मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रोल इस मूवी में भी प्ले करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर टीजर में ऐसा क्या दिखाया है। तो टीजर में सबसे पहले खाना लगते हुए जिस तरीके से एक साउथ इंडियन स्टाइल में दोस्तों लगता है, पत्ता लगता है, उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है, खाना परोसा जाता है, वही सीन इस मूवी के टाइटल टीजर में भी दिखाया गया है। और फिर जो कमल हसन है वो दो कुल्हाड़ियाँ लेकर मारते हुए नजर आए हैं, और बहुत सारी बड़ी सी टेबल लगी हुई है इसमें और लोग बैठे हुए हैं। तो ये सब एक ट्रेलर में दिखाया है, लेकिन ये सब कुछ कंक्लूड नहीं करता, लेकिन इतना कंक्लूड करता है कि मूवी में एक्शन भरपूर होने वाला है। और अगर डायरेक्शन लोकेश कनगराज सर का है, तो मूवी कुछ नयापन जरूर लेके आएगी। अब बात यह हो रही है कि प्रोडक्शन इसका स्टार्ट होगा 2021 में, तो अब देखते हैं मूवी कब रिलीज होगी। एस्टिमेशन है कि अक्टूबर 2021 तक मूवी रिलीज हो सकती है, लेकिन देखते हैं शायद उससे पहले भी रिलीज हो जाए। तो आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि नॉर्थ इंडियन फैंस के दिल में भी कमल हसन की एक अलग सी ही इमेज है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, और मूवी से रिलेटेड जो भी अपडेट आपको जाननी है, प्लीज उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर रोज हर दिन एक नई वीडियो लाता हूँ एक नए कंटेंट के साथ।